पिछले 10-11 साल से ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे और भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को ये डिसीजन दिया कि ईवीएम मशीन से साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। अगर भाजपा के साथ जनता है तो क्या नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां दे दी जनता को? 15 लाख रुपए खाते में आ गए। देश के भर के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है। कैसे गई भाजपा? हरियाणा की ईवीएम मशीन की हेरा फेरी सी गई है। वीवीपैट मशीन के अंदर जो पर्चियां गिरी है उन पर्चियों का 100% उस मशीन से मिलान कराया जाना चाहिए। जनता के नहीं चाहते हुए भी बार बार बीजेपी आ रही है तो आप खुद सोचिए कि बीजेपी कैसे आ रही। नहीं, अभी ऐसा बीजेपी ने कौन सा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से बार बार बीजेपी आ रही है? इस धांधली में कांग्रेस शामिल है, कांग्रेस बीजेपी मिलकर शामिल है। 2005 में और 2009 में कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट में ईवीएम मशीन में चोरी करके सरकार बनाई। जब बीजेपी के लोग 2009 में सुप्रीम कोर्ट में गए तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि 10 साल हमने राज किया है, 10 साल तुम राज करो, फिर बीजेपी ने राज किया। ये मिले तो लगे ले अच्छे दिन आए हैं, इसलिए 80 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे हैं और बीजेपी वाले 5 किलो अनाज देकर साबित कर रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। भाजपा कुल बहुमत से सरकार बनाई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा के लोगों का ऐसा कहना है, अधिकतम लोगों का, कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है, काले कानून भारत के अंदर आए हैं, उसके बाद में सबसे ज्यादा अगर विरोध किसी ने दर्ज कराया उन कानूनों का तो हरियाणा और पंजाब के लोगों ने कराए। अब जब हरियाणा के अंदर परिणाम आए हैं तो सारे एग्जिट पोल जो है फेल हो चुके हैं और बीजेपी को बढ़त मिली है। मेरा ऐसा कहना है कि पिछले 10-11 साल से ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे और भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को ये डिसीजन दिया कि ईवीएम मशीन से साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ये ऐसा डिसीजन भी है सुप्रीम कोर्ट का, आप लोगों के ध्यान में है कि नहीं है? पूरे देश में ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है और हरियाणा के जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने बाहर आकर मीडिया को बताया कि जो बैटरी है ईवीएम मशीन की वो 99% चार्जेबल है वोटों की गिनती के समय। दूसरी बड़ी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुप्रीम कोर्ट इसे ईवीएम मशीन से नहीं हो सकता, तो हमारी ये मांग थी कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है तो इसको वीवीपैट मशीन से जोड़ा जाए। वीवीपैट मशीन से जोड़ दिया गया, लेकिन वीवीपैट मशीन में जो जनता भाजपा के साथ है तभी चुनाव जीत रही है। आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा के साथ कितनी है वो जनता को जाके आप देखिए। ये दिल्ली की सड़कों पे जनता नहीं रहती। अगर भाजपा के साथ जनता है तो क्या नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां दे दी जनता को? 15 लाख रुपए खाते में आ गए। बेटी बचाओ बेटी बचाओ का आंदोलन चलाया हो गया। देश के भर के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है। कैसे गई भाजपा? हरियाणा की ईवीएम मशीन की हेरा फेरी सी गई है। हमारा ये आरोप है, अगर बीजेपी सही है और वास्तव में उसको जनता ने चुना है तो जो वोटिंग करवाई गई उस वीवीपैट मशीन के अंदर जो पर्चियां गिरी है उन पर्चियों का 100% उस मशीन से मिलान कराया जाना चाहिए। एक तरफ मशीन में वोट दिया जाता है, दूसरी तरफ वीवीपैट मशीन में सिंबल दिखता है कि आपने किसको वोट किया है, उसके बाद में पर्ची वो वीवीपैट मशीन बॉक्स में गिरती है, उन दोनों का मिलान करने से पता चल सकता है जनता क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रहा है। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हरियाणा के लोगों ने चुनाव के पहले दिन तक जब बीजेपी को नकार दिया तो बीजेपी को लाने वाले कौन लोग हैं? नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हार गए तो इसीलिए आप लोग ईवीएम का टिकरा फोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश की ये मांग है कि 100% जो पर्ची गिरती है वीवीपैट मशीन में उससे मिलान कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग क्या कह रहे हैं, हारने पे हर कोई चिल्लाता है, सही बात है आपकी, लेकिन जब पूरे देश में इतने मुद्दे हैं जहाँ पर बीजेपी का विरोध हो रहा है, उसके जनता के नहीं चाहते हुए भी बार बार बीजेपी आ रही है, तो आप खुद सोचिए कि बीजेपी कैसे आ रही।
नहीं अभी ऐसा बीजेपी ने कौन सा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से बार बार बीजेपी आ रही है? इस देश में सबसे ज्यादा किसान है, इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है, इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं। उन लोगों को जाकर गांव देहात में पूछिए कि क्या आप बीजेपी को वोट करते हैं। सुरजेवाला और सुप्रिया कह रही है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धांधली हुई है क्योंकि गिनती में लेट हुआ है। इस धांधली में कांग्रेस शामिल है, कांग्रेस बीजेपी मिलकर शामिल है। 2005 में और 2009 में कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट में ईवीएम मशीन में चोरी करके सरकार बनाई। जब बीजेपी के लोग 2009 में सुप्रीम कोर्ट में गए तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि 10 साल हमने राज किया है, 10 साल तुम राज करो, फिर बीजेपी ने राज किया, ये मिले तो लगे ले। कांग्रेस की औकात नहीं है सड़कों पे आकर इस प्रकार बोलने की और ईवीएम के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की। कांग्रेस बीजेपी मिलकर ये काम कर रहे हैं। अच्छे दिन भाजपा लाई है ना, तभी तो जनता साथ वोट दे रही है। राशन और अच्छे दिन सब आ गए, अच्छे दिन आए हैं, इसलिए 80 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे हैं और बीजेपी वाले 5 किलो अनाज देकर साबित कर रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आते हैं उसको 5 किलो अनाज नहीं देना पड़ता। 5 किलो अनाज देकर किसानों को 2000 रूपए खाद बीज देकर बीजेपी खुद साबित कर रही है कि अच्छे दिन आ गए। तो आपको क्या लग रहा, धांधली हुई है हरियाणा के अंदर? धांधली 100% जहाँ से ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहे हैं वहाँ हो रही है। बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे है, ईवीएम मशीन से पीछे है, 100% धांधली है। तो हिमाचल में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस कश्मीर में क्यों नहीं धांधली? देखिए देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस बीजेपी मिलकर कर रही है। कई कई बार जनता का जो जिनको इनको लगता है कि छोटा राज्य है इससे ज्यादा कोई बड़ी प्रभावित होने वाली बात नहीं है, वहाँ पर कहीं पर नहीं करते, कहीं पर बड़ी जगह इनको गेम प्लानिंग करनी होती है वहाँ करेंगे, किए हैं। और भविष्य में भी मैं ये इस मीडिया के माध्यम से भारत की जनता को कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग, बिहार के लोग ये सावधान रहे, यूपी के लोग, वहाँ भी खेला होने वाला है, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे। अच्छा, ईवीएम से खेला हो रहा है? ईवीएम से खेला हो। आपको शक है? 100% शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो आप कैसे चाहते हैं कि चुनाव हो, आने वाले चुनाव? पहले अगर जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई वहाँ पर आज ईवीएम मशीन से वोट नहीं होते। जर्मनी ने बनाई, जर्मनी में नहीं होती, जापान में नहीं होते, अमेरिका में नहीं होते। जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर ईवीएम से नहीं हो सकते, तो विकासशील देश की क्या ये मजबूरी है कि वो लोग ये कर रहे हैं? पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं हो सकते, नहीं होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए। तो भारत की ऐसी क्या मजबूरी है, चुनाव आयोग की ऐसी क्या मजबूरी है और कांग्रेस बीजेपी के रहनुमाओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ईवीएम मशीन से ही चुनाव करा रहे हैं, जबकि ईवीएम मशीन पे पूरे देश को शक है? तो उनको बैलेट पेपर से चुनाव करा के और अपनी सामाजिक ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।